कभी आप माँ बाप बात करने की कोशिश आपसे की पहले करते थे, अब नहीं करते हैं, है? क्योंकि उन लोगों की अभी सच्चाई नहीं मालूम है, पूरी सच्चाई नहीं जानते कि मेरे साथ कैसा क्या हो रहा है, कैसी थी मैं अंदर घुट घुट के मरती रहती हूँ। मैं किसी से अपनी बारे में नहीं बता सकती। ये हमारे साथ पलक थी, पलक की जब मैंने उनके पास्ट जो इनके साथ बीता है उसके उनकी कहानी उनके इतिहास को जानने का जब हमने कोशिश किया तो वाकई में दर्द बहुत दर्द भरी कहानी है। और उसके बाद यह नीतू जब पलक बन जाती है, पलक बन करके यह आर्केस्ट्रा में डांस करती है, जब आर्केस्ट्रा में आप डांस करती हो तो क्या लोगों यह आपकी जो डांस करने की मजबूरी थी कि शौक था? यह मजबूरी थी, मेरी कोई शौक नहीं था, मेरी मजबूरी थी। मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं डांस करूं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसके पहले कभी आपने डांस किया था कि कैसे? नहीं, मैंने ऑर्केस्ट्रा देखी तक नहीं है, बस यही आई हूँ तो चला रहा था तो मैं देखी थी। हाँ, तब वहाँ स्टेट में जब गई पहली बार गई तो कैसा आपको फीलिंग? मैं आंखें बंद कर ली थी, मैं कुछ नहीं दिखा। लोग आते थे पैसे पकड़ा कर चले जाते थे, मैं उन लोगों को देखती तक नहीं थी। तो कभी कोई कभी भी किसी प्रोग्राम में आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो आपकी कहानी को जानने की कोशिश किया? मैंने अपनी कहानी किसी से नहीं शेयर की। मैं बता रही हूँ, मैं खुद घुट घुट के मरती हूँ, हर पल मरती रहती हूँ। मैं अपनी बात किसी से नहीं बताती हूँ। जब आप डांस करती होंगी तो वहाँ पे तमाम हजारों का भीड़, सौ का भीड़ वहाँ लगा होता था, और जब उस भीड़ में लोग आपको किस नज़र से देखते थे उस समय? सब लोग गंदे नज़र से देखते हैं। हाँ, सब गंदे नज़र से देखते हैं, कोई अच्छा नज़र से नहीं देखता है। ये लाइन ही गलत है ऑर्केस्ट्रा। लेकिन इस डांस करना बुरी बात नहीं है, डांस करके आप अपने तीन तीन बच्चे को भरण पोषण कर रही हो, बच्चे को पढ़ा लिखा रही हो। लेकिन क्या पलक यह बताओ, जो इस तरह से लड़कियां प्यार मोहब्बत करके माँ बाप को छोड़ करके किसी अपने जो प्रेमी उस पर विश्वास करके चली जाती हैं, और जब नीतू पलक बन गई और नीतू पलक बनने की कहानी इतनी दर्द भरी थी, क्या जो अन्य लड़कियां हैं जो माँ बाप का कहना मान करके माँ बाप से नाराज होकर के अपने प्रेमी के साथ भाग जाती हैं, शादी रचा लेती हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? उन लोगों से ही निवेदन करती हूँ, जो जहाँ माँ बाप शादी कर दे वहीं ठीक रहता है। ये जो भागती हैं उसके लिए बहुत बुरा दशा होता है, जिंदगी खराब। मैंने तो प्यार मोहब्बत कुछ भी नहीं किया था, मेरे साथ बहुत गलत हुआ था। हाँ, गलत हुआ, उसके बाद आप घर गए, दोबारा किसी इस पे विश्वास कर लिया था? दोबारा हमको लगा कि सच में प्यार करता है, रोता रहता था धम, और मतलब पहले से कि हमको लगा कि ये सच में हमसे प्यार करता, हम ही गलत हैं, हम इसके साथ मतलब थाना पुलिस करवा रहे हैं। हमको ऐसा लगा कि ये प्यार करता है, इसीलिए हमको जबरदस्ती उठवाया, ऐसे मेरे साथ किया, हम खुद पिघल गए। ये इमोशनल ब्लैकमेल आपको किया हुआ रोध होकर के? हाँ। जो आम लड़कियां हैं जो अभी पढ़ाई लिखाई के दौरान प्यार मोहब्बत कर लेती हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगी आप? उनके लिए यही संदेश देती हूँ कि ऐसा मत करें, जहाँ माँ बाप शादी कर दे वहीं पर खुश रहें। अगर कर लेती हैं तो क्या होता है? कर लेती हैं तो बहुत गलत करती हैं, क्योंकि उसका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं रहता है। आज पलक बताओ, जो आप दोबारा जब आप तो पहले बार हुआ आपको जबरदस्ती लेके गया, दोबारा हुआ आप उसके प्यार में आ गई, झांसा में आ करके, अब क्या क्या आपके साथ हुआ करता था? मारता पीटता था हमेशा, घर के नौकरानी जैसे काम करवाता था। हाँ। अब कहाँ पे है वो? तीसरी शादी करके पंजाब में शिफ्ट हो गया है। तो मैं अकेली अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ, अपने बच्चों को पाल रही हूँ, कमा कर खिला रही हूँ। अब जो कहानी है आपकी, आप कैसे अकेले क्या काम करती हैं, कैसे? ऑर्केस्ट्रा में ही नाच गा के अपने बच्चों को जिलाती खिलाती हूँ। प्रॉपर जिला कहाँ का था आपका? महाराजगंज जिला। ये हमारे साथ महाराजगंज जिले की पलक थी, पलक की पलक से हमारी मुलाकात होती है। तो हम जो ये पलक जब ऑर्केस्ट्रा करती हैं तो लोगों का दिल को बहलाने का काम करती हैं, लोगों को मनोरंजन देने का काम करती हैं डांस के लिए। लेकिन जो वो मुस्कान जो स्टेज पे होता है, उस मुस्कान के पीछे क्या दर्द होता है, और मेरी नज़र इनकी मुस्कान इनके दर्द पे गई कि अच्छा यह पलक कैसे यह डांस करती है, क्या इसकी शौक थी कि या मजबूरी थी, वह जानने के लिए मैं आज पलक
के पास आया और उनकी मजबूरी को जानने के लिए आप लोगों से रूबरू कराया कि पलक के पीछे जो जब लोग डांस करते हैं तो लोगों के चेहरे पे बहुत मुस्कान रहती है और लोग कहते हैं कि यह कई लोगों का दिल बहलाती हैं, लेकिन इनके पीछे क्या दर्द होता है अभी कोई जानने का कोशिश नहीं किया। लेकिन हम इसलिए आए कि इनके पीछे का दर्द क्या था और नीतू से पलक कैसे बन गई यह जानकारी लेने के लिए आज पलक के मेरे पास आया। पलक ने अपनी दर्द भरी कहानी को बताया और उसने यह भी बता दिया कि जो लड़कियां हाई स्कूल इंटर पास करने के बाद प्यार मोहब्बत के चक्कर में फंस जाती हैं और माँ बाप की जो बचपन से लेकर के 18-19 साल की जो भी मोहब्बत होती है उसको ठुकरा करके अपने प्रेमी के साथ 2-3 महीने के प्यार मोहब्बत में 18 साल का प्यार को ठुकरा कर चली जाती हैं, तो उनको किस तरह से ठोकर खाना पड़ता है, उनकी ज़िंदगी बद से बदतर कैसे हो जाती है, वह पूरी जीता जो सबूत है हमारे सामने है। नीतू पलक कैसे बनी और इनकी कहानी कैसे थी, यह कहानी दिखाने का मकसद मेरा यह था कि जो भी लड़कियां अपने प्यार अपने आशिक के बहकावे में आ जाती हैं तो उनके साथ क्या होता है। इस कहानी से तमाम लड़कियों को यह सीख लेना चाहिए कि देखिए अब इनको छोड़ करके वह तीसरी शादी कर लिया जो इनका आशिक था, पहले इनसे प्यार मोहब्बत से किया लेके आया, उसके बाद पलक के पास, पलक तुम्हारे पास कितने बच्चे हैं इसमें? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, एक लड़की और 2 लड़का। तो दोनों लड़की 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 और लड़का जब कितने साल के हो गए सब? 14 साल की लड़की हो गई और 12 साल का एक लड़का हो गया और 9 साल का एक लड़का हो गया। क्या अब लड़के वो जो लड़के हैं आपसे सवाल नहीं करते मम्मी आप क्या करती हो? अच्छा है। ये सब उनको नहीं पता है, वो सब जानते, वो हमारा बाप है, बाप ही है। क्या आप इन लोगों को पढ़ाई लिखाई विद्यालय में? हाँ भेजती हूँ, सरकारी स्कूल में पढ़ाती हूँ, पढ़ते हैं। तो मेरी कहानी का मकसद यह था कि जान ले नीतू से पलक बना करके इनसे पहले प्यार करता है, प्यार मोहब्बत करके इन्हें अपने झांसे में लेकर के इन्हें प्रदेश जाता है, वो प्रदेश जा करके इनका पति उसके बाद वहां जाता है, उसके बाद इनको मजबूर कर देता है कि डांस करने के लिए और डांस का पैसा कमा करके वो मौज करता था और बेचारी मेहनत करती थी। आज इनको छोड़ करके 3 बच्चों को छोड़ करके आज यह अपने तीसरी बीबी को लेकर के मौज काट रहा है, लेकिन यह पलक अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में लगी हुई है और नाच गाना गा करके अपने जीवन को किसी तरह से जी रही है। बनल है चैनल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।